लेंस कार्ट वर्सेस टाइटन आई प्लस। जी हाँ दोस्तों, जब आपको चश्मा बनवाना होता है, पावर के ग्लासेस खरीदने होते हैं या सनग्लासेस खरीदने होते हैं, तो आपके मन में एक ही सवाल आता है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा कौन है, या लेंस कार्ट अच्छा है या टाइटन आई प्लस अच्छा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंस कार्ट और टाइटन आई प्लस के फ्रेम क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी से लेकर रिवेन्यू तक, रिवेन्यू से लेकर रेटिंग तक सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इससे फटाफट, इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो गाइस, इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इन दोनों को कुछ रेटिंग भी देने वाले हैं ताकि विनर के बारे में आपको बता सकें। टाइटन आई प्लस 1984 में इसको फाउंडेड किया गया है, यानी कि टोटल 38 साल हो चुके हैं। इसको मिलता है स्कोर 1। लेंस कार्ड 2010 में आया, अब तक हो चुके हैं 12 साल, इसको भी मिलते हैं स्कोर 1। तो फ्रेंड, हालांकि लेंस कार्ड के 8 बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेटिंग के मामले में अगर हम देखें तो टाइटन आई प्लस की रेटिंग है 4.1, और वहीं पर लेंस कार्ड की रेटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रेटिंग है 3.2। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूं तो मुझे टाइटन आई प्लस के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं पर फ्रेंड, मैं लेंस कार्ड के भी प्रोडक्ट को ख़राब नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में भी काफ़ी सुधार आए हैं, यानी कि आपको दोनों जगह अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसलिए इन दोनों को हम देते हैं एक एक स्कोर। रिवेन्यू के मामले में टाइटन आई प्लस लेंस कार्ड से कहीं ज़्यादा है। टाइटन आई प्लस का रिवेन्यू 2022 के हिसाब 28,800 करोड़ है और उसकी नेट इनकम 2,170 करोड़। वहीं पर लेंस कार्ड की रिवेन्यू की बात करें तो 963 करोड़। वहीं पर लेंस कार्ड की रिवेन्यू की बात करें 2020 के हिसाब से 963 करोड़ और नेट इनकम है 17 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो टाइटन आई प्लस के पास है 7,500 एम्प्लॉय और वहीं पर लेंस कार्ड में एम्प्लॉय की संख्या है 5,000। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो लेंस कार्ड की अपेक्षा टाइटन आई प्लस में सैलरी कम है। यहाँ पर टाइटन आई प्लस की सैलरी रेंज 18 से 20 हज़ार रुपये है, वहीं पर अगर आप लेंस कार्ड की बात करें तो यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये तक की सैलरी उसके एम्प्लाई को दी जाती है। ओवरऑल फ्रेंड, ये तो रिवेन्यू रेटिंग की होगी बात। अब हम आते हैं मेन टॉपिक में कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंस कार्ड जो है एक ऐसी सर्विस आपके लिए दी है कि आपको घर में जाकर आई टेस्ट करती है। ये उसकी सबसे बढ़िया एक पॉइंट है, उसके लिए आगे बढ़ने का एक जबरदस्त तरीका है। अगर आप लेंस कार्ड से कोई भी फ्रेम बनवाना चाहते हैं तो आपको घर बैठे आपका आई टेस्ट किया जाएगा, आप घर बैठे फ्रेम देख सकते हैं और वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर बैठे ग्लासेस पा भी सकते हैं। यहाँ पर टाइटन आई प्लस भी आई टेस्टिंग की सुविधा फ्री में ही देती है, लेकिन टाइटन आई प्लस ऐसी कोई सुविधा भी नहीं दे रही है कि आपको घर जाकर आई टेस्ट किया जाए, घर जाकर आपको फ्रेम दिखाया जाए। तो यहाँ पर इसकी रेटिंग हम थोड़ा कम करेंगे और लेंस कार्ड की रेटिंग को बढ़ा देंगे। साथ ही अगर हम प्राइस की बात करें तो टाइटन आई प्लस और लेंस कार्ड के फ्रेम और लेंस की कीमत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है दोनों की। अगर आप चाहें तो दोनों जगह से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप सर्विस की बात करें तो मेरे हिसाब से लेंस कार्ड इज़ बेटर। बट फ्रेंड, एक वेबसाइट के अनुसार अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन देते हैं तो यहाँ पर टाइटन आई प्लस के कस्टमर सेटिस्फेक्शन 61% है, वहीं पर लेंस कार्ड के कस्टमर सेटिस्फेक्शन मात्र 49% है। तो अगली बार अगर आपको कोई भी ग्लासेस बनवानी है तो इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और खुद से अनुभव कीजिए कि कौन सा प्लेस आपके लिए बेहतर है। वेल फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूं और नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।